ये चैनल आई एम शर्मली। हम लोग हाल ही में गए थे मनाली टूर में और उसका इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, प्रॉमिस की थी, इसी रिलेटेड आज का वीडियो है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली से हम लोग का पैकेज था, दिल्ली या चंडीगढ़ से आप पैकेज ले सकते हैं। तो हम लोग का पैकेज जो था वो था yatra.com से ट्रैवलर जो था ड्रीम हॉलीडे का, हम लोग का पैकेज जो था वो 5 नाइट 6 डे का था और 2 नाइट्स जो ओवरनाइट रहता है जो कि अप एंड डाउन का रहता है दिल्ली टू मनाली या मनाली टू दिल्ली, और 3 नाइट्स जो रहता है वो मनाली टूर का रहता है। तो आपको 2 टाइप्स ऑफ पैकेज मिलेगा, एक वोल्वो का पैकेज मिलेगा, एक कैब का पैकेज मिलेगा। कैब के ऊपर डिपेंड करता है आप मिनी कैब ले रहे हो या बिग कैब ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका चार्जेस जो है अप एंड डाउन होते रहता है। तो मैं जो ली थी वो वोल्वो पैकेज था, तो उसका 18,000 पैकेज था। उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आपको मिलता है होटल में ब्रेकफास्ट एंड डिनर, आपको ब्रेकफास्ट और डिनर आपको इंक्लूड रहेगा पैकेज में। फर्स्ट पे आपको एमिनिटीज मिलता है ब्लैंकेट, पानी बॉटल, जूस और स्नैक्स। सो ये सब एमिनिटीज आपका रहता है पैकेज में इंक्लूड रहता है। और फर्स्ट डे जो मनाली टूर रहता है लोकल साइट सीन रहता है, सेकेंड डे रहता है आपका सोलन वैली, और थर्ड डे रोहतांग पास जा सकते हो। अगर रोहतांग पास नहीं अवेलेबल रहता है तब उस टाइम कहीं और लेके जाता है। तो हम लोग को रोहतांग पास मिला था और उसके लिए अलग से चार्जेस लगता है, आपको 2,500 से 3,000 के लगभग आपका लगता है रोहतांग पास का एक्स्ट्रा चार्जेस। और वोल्वो आपका जो रहता है दिल्ली टू मनाली लेके जाता है और मनाली टू दिल्ली छोड़ देता है। और उसके बाद होटल के जाने के लिए वोल्वो बस स्टेशन से आपका एक पर्सनल कैब आता है जो आपको होटल तक छोड़ देता है, और उसके बाद 3 डेज के लिए आपका बुक रहता है पर्सनल कैब। आप जैसे जैसे घूमने जाते हो डे बाई डे वैसे आपका पर्सनल कैब आ जाता है, आपको घुमा के फिर आपको होटल पे छोड़ देता है। तो यही सब पैकेज में इंक्लूड रहता है। और जब आप घूमने जाते हो उसमें अलग से जो एक्टिविटीज रहता है एक्टिविटीज का अलग चार्जेस लगता है, एक्टिविटीज पैकेज में बुक नहीं रहता है। और शॉपिंग वगैरह तो वो तो अलग ही रहता है, सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी कितना चार्जेस है वो मैं बता नहीं सकती। अक्टूबर सेकेंड वीक में हम लोग गए थे तो उस टाइम हम लोग का 18,000 पैकेज लगा। अगर आप हनीमून पैकेज बुक कर रहे हो उसमें चार्जेस आपका थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हनीमून पैकेज के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट देता है रूम में, और कैंडललाइट डिनर आपका एक एक्स्ट्रा रहता है हनीमून पैकेज के लिए। और होटल डिपेंड करता है अगर आप कौन सा होटल लोगे, 3 स्टार लोगे, 5 स्टार लोगे। होटल भी काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, सर्विस भी काफ़ी अच्छा था और कोई भी चीज़ का हम लोग को दिक्कत नहीं हुई। जैसा जैसा हम लोग को पैकेज में बोला था ये सब इंक्लूड रहेगा वैसा ही मिला। सो हम लोग काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई हुए yatra.com से पैकेज बुक करके। ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। रूम में सर्विस देता है, सर्विस के लिए अलग से चार्जेस हमेशा मांगते रहते हैं। कोई कोई होटल्स में ऐसा होता है वो सब कुछ भी नहीं था, आप अपने हिसाब से अपना मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, बट हमें कुछ भी डिमांड नहीं है जो हमको टिप्स दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लोकेशन काफ़ी अच्छा था। जहाँ हम लोग का होटल था साइड में पूरा आइसिंग वाला पहाड़ था, बैल्कनी से पूरा दिख रहा है आइसिंग वाला पहाड़, काफ़ी अच्छा लोकेशन में हम लोग को होटल दिया था। सो मैं फुल सेटिस्फेक्शन हूँ ज़ारा होटल ड्रीम हॉलीडेज yatra.com से। सो अगर मैं किसी से सजेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है मेरा खुद का जितना एक्सपीरियंस था मैं आपसे शेयर की, तो यही था इन्फॉर्मेशन मनाली टूर का। तो हम लोग तो फुल मस्ती करके आए, बहुत इन्जॉय किए। सो आई होप कि आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। अगर तब पर भी कुछ भी क्वेरी रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।